पेंड्रा गौरेला में आदिवासी नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक पिछले 12 साल से दुष्कर्म कर रहा था। इसके पहले पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। आज उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक छात्रा ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि शिक्षक महेंद्र सोनी ने उसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष की थी, तब महेंद्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गया था और उसे धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद शिक्षक उस छात्रा से आए दिन ऐसी हरकत करने लगा। अब वह छात्रा 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती भी है। छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाना में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पास्को एक्ट का केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पहले ही 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। एसडीओपी गौरेला श्याम सिधार ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी शिक्षक महेंद्र सोनी की पत्नी संगीता सोनी के भी पति के आपराधिक कृत्य में सहयोग करने के सबूत मिले थे, जिसके बाद संगीता सोनी को पुलिस ने गौरेला थाना में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। हाँ, एक प्रकरण गौरेला थाना में दर्ज है, जिसमें विवेचना के दौरान महिला अधिवक्ता के खिलाफ प्रकरण में, जिसमें उसके पति महेंद्र सोनी आरोपी है, जो पहले से गिरफ्तार हो चुका है, उसके साथ सहयोग करके पीड़िता को मारपीट करने और आरोपी का सहयोग करने का साक्ष्य पाया गया है तथा घर में बंद रखकर मारने पीटने का भी कथन पीड़िता ने दी है, जिस पर से महिला अधिवक्ता को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, वो पीड़िता दूसरे गांव की रहने वाली है, आरोपी दूसरे गांव का है, जो एक शिक्षक है, जिसके द्वारा काफी दिनों से लड़की के साथ अनैतिक कार्य किया जा रहा था।